आज मैं आपको स्वर के बारे में पढ़ाऊंगी। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। आओ मैं तुम्हें सिखाऊं। स्वर का पहला अक्षर आता है अ, जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया अ, और अ लिखने की शुरुआत हिंदी की कॉपी में पहले ऐसे स्लीप लाइन बनाते हैं, फिर टी, एक सोई पाई और एक खड़ी पाई, इसके बाद छोटा सा ऐसा गोला बिल्कुल बीचों बीच खत्म हो, जो ऊपर और नीचे की लाइनें हैं उसके बीचों बीच। फिर तीसरा चरण आता है ऊपर का गोला और फिर नीचे का ये जो भाग है इसको थोड़ा उठाते हुए। नेक्स्ट आपने ऊपर का गोला बनाया, फिर नीचे का गोला बनाया और उसके बीच में एक मध्य रेखा। अब इस ये है बेटा इसकी शुरुआत। सबसे पहले ये अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। पहले मैंने टी बनाया, फिर छोटा गोला और ये बड़ा, और तीसरा चरण जैसे मैंने आपको ऊपर सिखाया था। मैं पुनः बना के दिखाती हूँ। पहले स्लीप लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इसको सोई पाई और इसको खड़ी पाई कहते हैं हिंदी में। फिर एक हाफ सर्कल और दूसरा भी हाफ सर्कल, लेकिन इन दोनों के मध्य जो ये भाग है, जो जोड़ है, इससे आप आपस में जोड़ेंगे और ये बना अ। अब मैंने इसमें फिर से एक खड़ी पाई बना करके इसे बना दिया आ। ई ऊपर की रेखा और नीचे की रेखा के मध्य भाग में मैंने बनाया अपोजिट ऐसे, ठीक इसी लाइन के नीचे मेरी पेंसिल रुक गई। और फिर यहाँ से मैं घूमते हुए नीचे की ओर आऊंगी और इस तरह से ये है मेरी छोटी ई। अगले अक्षर की शुरुआत भी ठीक ऐसे ही, पहले सोई पाई, फिर छोटी सी ऐसी डंडी, फिर उसी के बराबर चलाते हुए पेंसिल को मैंने ऐसे बना और ये बड़ी ई की मात्रा, इसे कहते हैं बड़ी ई और इसका उच्चारण है ई। लाओ मैं फिर से एक बार उच्चारण सिखाऊं। अ आ इ ई उ, जैसे मैंने अ लिखना सिखाया था। ये है अपना छोटा उ, इसका उच्चारण है उ, और ये है आपका बड़ा उ, इसका उच्चारण है उ। इसके बाद आता है री। री की फॉर्मेशन थोड़ी सी बच्चों के लिए कठिन है, लेकिन सीखेंगे तो बहुत कठिन नहीं है। जैसे मैंने टी लिखना सिखाया था, टी, छोटी ई और ये ऐसे री। ए और अहा। आइए इसको फिर से सीख लेते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ए ओ औ अंक अहा। अब इन स्वरों के साथ कुछ शब्द बोले जाते हैं जो आप सबको पता है और आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। अ, अ से अनार, आ से
आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, रि से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, अंग से अंगूर, अहा माने कुछ नहीं।